एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक हुंदरकी में स्थित भैसोड़ ग्राम पहुंचा। लगभग 1300 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान राजीव सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए गए हैं। बात अगर गांव में पहुंचने वाली सुविधाओं की करें तो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि द्वारा गांव में सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो कि विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई तो पता चला वर्तमान ग्राम प्रधान गांव में 32 हैंडपंप लगवाए हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति ठीक तरह से की जा सके। वही बात हम विद्युत व्यवस्था की करें तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 200 विद्युत पोल व 8 विद्युत बिजली ट्रांसफार्मर लगवाए हैं तथा साथ ही गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण एवं शौचालयों का भी निर्माण कराया है। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने राज्य व केंद्र सरकार से पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग की है। नाम राजीव चौधरी है, मैं ग्राम प्रधान भैसौन, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद का मौजूदा ग्राम प्रधान। मेरे गांव में अब तक 600 मीटर सीसी टाइल्स मैंने डलवा चुका हूं और एक तालाब नरेगा के थ्रू बनवा चुका हूं। बाकी 150 मीटर खंजा डलवाया है अभी। अब मेरे गांव में शौचालय बन रहे हैं, 119 की डिमांड है, जिसमें कि मेरे 50 शौचालय रेडी हो चुके हैं और बाकी पे काम चल रहा है। यहाँ स्कूल की हालत पहले बहुत ख़राब थी, एक महीना से लगातार स्कूल में मेरा कार्य चल रहा है और स्कूल में मैंने टॉयलेट व्यवस्था दुरुस्त करा दी, आंगनवाड़ी केंद्र मैंने सही करा दिया, जूनियर प्राइमरी स्कूल दोनों में रंगाई पुताई व टूट फूट सब दुरुस्त करा दी है। अब मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र की हालत बहुत ख़राब है। आज तक जिस दिन से स्वास्थ्य केंद्र बना है ना तो उसका ताला खुला है ना ही कोई ANM आई है, आज तक किसी ने आके इधर देखा नहीं है। मुझे अपने गांव के लिए 700 मीटर नाले की आवश्यकता है और बारात घर व पंचायत घर आज तक मेरे कोई से गांव में नहीं है व अंत्येष्टि स्थल भी नहीं है, एक ही समुदाय का गांव है मेरा, सब हिंदू लोग बिलोंग करते हैं मगर आज तक यहाँ अंत्येष्टि स्थल की जगह नहीं है। तो जमीन है अंत्येष्टि स्थल की, वो तालाब में दर्ज है और उसे आज तक शमशान घाट में दर्ज नहीं किया गया है। 6.5 बीघा जमीन शमशान घाट की अलग है मगर वो तालाब में दर्ज है। जो मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत के अंतर्गत साफ सफाई व डस्टबिन भी लगा रखे हैं, मेरे गांव में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, ना ही आपस में जो मेरे गांव के व्यक्ति हैं उनमें कोई तकरार है। मेरा नाम रविंदर सिंह, गांव भैंसौड़ का निवासी हूं, ग्राम पंचायत भैंसौड़ है। जिस दिन से ये अस्पताल बना है इसमें कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी आज तक आया ही नहीं। इसकी दुर्दशा आप देख ही रहे हो, आपके सामने सब सामान टूटा पड़ा है, अंदर भी टूटा पड़ा है, दरवाजे बच्चों ने तोड़ दिए, लैट्रिन का टैंक तक तोड़ दिया जो ऊपर लैट्रिन पंचायत। कोई अधिकारी आज तक नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया,